नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं पिछले 20 सालों से पत्रकारिता में कार्यरत हूँ। लगभग 12 सालों से मैं अपना एक दैनिक अखबार निकाल रहा हूँ और एक वीकली अखबार। हमेशा से मैंने निष्पक्ष निडर होकर पत्रकारिता की है, ना मैंने कभी डरना सीखा है। मैं जो भी लिखता हूँ सबूतों के आधार पर लिखता हूँ। अभी आप सभी सचदेवा ग्रुप को तो आप जानते होंगे, नवीन कुमार सचदेवा की कुछ खबरें मैं अभी 6 तारीख से मैंने अपने अखबार में प्रकाशित करनी शुरू की। इससे पहले भी मैंने 2012 में भी मैंने प्रकाशित की थी। तो 2012 के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 2012 में जब मैंने नवीन कुमार सचदेवा की खबर छापी थी, उस समय नवीन कुमार सचदेवा के कुछ बाउंसरों ने संगम विहार थाना क्षेत्र में दुकानदार के साथ हाथापाई मारपीट की थी, जहाँ वहाँ लूट डकैती का मामला इनके बाउंसरों पर दर्ज हुआ था। उसके बाद बीच बीच में ये इनके बाउंसर छोटे छोटे दुकानदार साथ हरकतें करते आते रहते, वो मैं छापता रहा। अब जो मैंने खबरें छापी हैं, ये खबरें थोड़ी सेंसेटिव बड़ा मुद्दा है। नवीन कुमार सचदेवा ने 1 जनवरी के बाद से लोगों को पैसा ब्याज पे देना बंद कर दिया, पैसे का ब्याज देना बंद कर दिया। जिन लोगों का पैसा नवीन कुमार सचदेवा के पास फंसा हुआ है, उनमें से कुछ लोगों जो मिले, कुछ 60-70 साल के भी हैं, उन्होंने मेरे से बात की कि भाई हमारा ऐसे से पैसा यहाँ फंसा हुआ है, अब मुंह तो छोड़िए, हमें ब्याज भी नहीं मिल रहा है। तो ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये इन सभी के सबूत मेरे पास हैं। नवीन सचदेवा ने जो चेक अपने जो निवेशक हैं इन्वेस्टर उनको दे रखे थे, वो भी बाउंस हो गए। उनके भी मैं अभी आपको सारे सबूत दिखाऊंगा। और अभी आपने देखा होगा, नवीन कुमार सचदेवा ने अभी एक यूट्यूब पे एक अपना वीडियो डाला है, जिसमें मेरे पे आरोप लगाया है कि मैंने उससे पैसे मांगे, जब पैसे नहीं दिए तो मैंने उसकी खबरें छापी। नवीन सचदेवा कितना बड़ा झूठा है और कितना झूठ बोल रहा है, आज मैं सबूतों के आधार पे मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं नवीन कुमार सचदेवा से 8 जुलाई 2017 से पहले कभी नहीं मिला। उसके ग्रुप के बारे में खबरें आती थी, मैं छापता रहता था। अभी 6 तारीख को मैंने खबर छापी थी अपने अखबार में, और मैं आपको एक बताना चाहूँगा। 6 तारीख को मैंने खबर छापी थी, जनता के 100 करोड़ रुपये लेकर भागने की तैयारी में सचदेवा ग्रुप। उसके बाद फिर मैंने 8 जुलाई को खबर छापी, सचदेवा ग्रुप के पास 100 करोड़ नहीं बल्कि पब्लिक के पास ही 200 करोड़। 8 तारीख सुबह लगभग 8 बजे के आसपास नवीन सचदेवा का फ़ोन आता है। मैं पार्क में घूम रहा था उस समय अपने फैमिली के साथ। किसने बोला कि मैं नवीन कुमार सचदेवा बोल रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर से फ़ोन किया था, मैं मोबाइल नंबर ही मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका फ़ोन आया था मेरे पास 9991007 से। किसने बोला, मैं नवीन कुमार सचदेवा बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बताया कि ऐसे से आप खबरें छाप रहे हैं, थोड़ा सा उसको रोको। मैंने कहा जो एक्चुअल फैक्ट थे मैंने उसको बताया कि भाई मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं इसलिए छाप रहा हूँ। उसके बाद ये पूरे दिन मुझे फोर्स करता रहा कि मुझे मिलना है आपसे और मिलना है। मैं इसको टालता रहा दिन भर। लगभग 2 बजे के आसपास ये अपने कुलिक के साथ और कुछ अपने उसके साथ में, क्या नाम है, अपना जो अपने ये बाउंसर रखते हैं उनके साथ में मेरे ऑफिस पे आते हैं। वहाँ इसने अपनी सिस्टर को बुलाया। ये जो नवीन सचदेवा आया, इसकी भी मैं वीडियो फुटेज आपको दिखाऊंगा, और इसने क्या क्या बोला मेरे से और किस तरीके से मुझे फोर्स किया, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको सुनाऊँगा। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो चेक हैं जो नवीन कुमार सचदेवा ने अपने निवेशकों को दिए थे। ये जो बाउंस हो गए हैं, बाउंस होने का रीज़न जो बैंक से आया है, आप बैंक का देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये एक चेक नहीं है, ऐसे अनेकों चेक हैं जो बैंक से बाउंस हो रहे हैं, जो निवेशकों को नवीन सचदेवा ने दिए थे। उसके बाद ये नवीन सचदेवा के खिलाफ एक कालकाजी थाने में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें 51 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला इसमें बताया गया है। इसकी भी मैंने खबर अपने अखबार में प्रकाशित की थी।
सीआर पार्क थाने में भी कल नवीन कुमार सचदेवा के खिलाफ एक धोखाधड़ी का मामला शिकायत दर्ज हुई है। उसके बाद एक दूसरे निवेशक का एक चेक देखिए, ये भी इसका भी रीजन देखिए किस रीजन से, ये तो सारे इसमें भी लिखा हुआ है कि बैंक में और चेक पर जो साइन है दोनों नहीं मैच हो रहे हैं। इसका मतलब नवीन कुमार सचदेवा ने चेक देते समय ही ये मनसा बना ली थी कि मुझे निवेशकों का पैसा नहीं लौटाना है। अब मैं आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा। 8 तारीख जो नवीन सचदेवा मेरे ऑफिस पे जब पहुँचा था उसका टाइमिंग है 2 बजे के आसपास का। इसके मैं फुटेज में आपको भी अभी दिखाता हूँ। और उससे पहले फिर 10 तारीख को उसकी वाइफ भी आई थी, उनकी भी मैं फुटेज दिखाना चाहूँगा। और उनकी जो जो इन्होंने मुझसे बोला, सारी जो इनकी वाइफ ने बोला, जो इन्होंने मेरे को प्रेशर डाला, जिस तरीके से बात की, वो सारी रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगा। जितनी देर इनकी मेरी बातचीत थी वो सारी मैंने इनकी रिकॉर्डिंग की थी। अब एक बात और इनकी मिसेस की बता, श्रीमती जो सचदेवा हैं उन्होंने बातों में बताया था कि वो कालकाजी थाना के SHO के वो FIR दर्ज होने के बाद जो अपना जिसके पैसे हैं उसको पैसे लौटाने के लिए पैसे बना रहे थे। तो इन्होंने बताया कि भाई हमें कुछ तंग करता है, जब कुछ परेशान करता है तो हम उसको इतना परेशान तंग कर देते हैं कि वो हमसे पैसा नहीं मांगता है। अब कालकाजी SHO को किस तरीके से उन्होंने तंग किया, मैं अब श्रीमती जो नवीन सचदेवा हैं उनका मैं वीडियो आपको एक आवाज पहले मैं ऑडियो सुनाना चाहूँगा, सुनिए आप जरा। एक हमने उनको भी दोस्त बनाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, वो आज भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उस बंदे के लिए अपना राज छोड़ दिया।